हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये लोग नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो किस टॉपिक पे था? हार्मोनी इन ऑल यूनिवर्स एंड एग्जिस्टेंस, है ना। एग्जिस्टेंस के बारे में हमने ऑल यूनिट्स के, उनकी कोएग्जिस्टेंस के बारे में, है ना, और उनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो अगले टॉपिक पर है, ठीक है। हमने शुरू से इंश्योर किया, सेल्फ के लेवल से शुरुआत करके हमने जो है एग्जिस्टेंस तक के लेवल को डिस्कस किया हुआ है इसमें। तो जो हमारा ये शुरू हो रहा है टॉपिक, नेक्स्ट वाला जो वीडियो है क्या है? प्रोवाइडिंग द बेसिस फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, है ना। अगर हम ये सारे लेवल की हार्मनी की जो व्यवस्था है उसको अगर हम समझ सकते हैं, उसको अगर हम इंश्योर कर सकते हैं, तो इससे हमें क्या अचीव होता है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। आगे चल के हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रोफेशनल एथिक्स। तो प्रोफेशनल एथिक्स कैसे इंश्योर होगा? अनटिल अनलेस वी आर अनएबल टू इंश्योर अवर ह्यूमन वैल्यूज इन अवर सेल्फ, इन फैमिली, इन सोसाइटी। सो वी आर अनएबल टू इंश्योर अवर वैल्यूज एंड एथिक्स इन अवर प्रोफेशनली, इन अवर प्रोफेशनलिज्म, इन अवर प्रोफेशनल एरिया, राइट। सो अवर एम इज ऑल्सो टू इंश्योर अवर एथिक्स और वैल्यूज इन अवर प्रोफेशन। सो बाई इंश्योरिंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन लीड टू एक्वायर अ यूनिवर्सल वैल्यूज एंड इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। तो हमें इस जो हमने देखा अभी तक, तो उससे हमें क्या मिलता है, है ना। आपने देखा हम लोग वैल्यूज को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, जो हमने, जो हमारा ये मेथड था एक्सप्लोरेशन का, वो क्या था? वो था सेल्फ एनालिसिस, वो था क्या, वैलिडेशन का प्रोसेस। और वो जो भी आपके सामने हम लोग जो डिस्कस करते थे वो रहता था एज ए प्रपोजल, कि आपके सामने ये रखा गया है प्रपोजल, ये टॉपिक अगर आपको समझ आता है आफ्टर डीप एनालिसिस तो आप उसे एक्सेप्ट करो, अदरवाइज वी कैन डिनाई इट। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया वो पहले, कि वैल्यूज आर नॉट टू बी इन्फोर्स्ड थ्रू फियर, थ्रू ग्रीड, थ्रू ब्लाइंड फेथ और बिलीव्स। किसी से ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते, वो तो फिर वही हो गया इन्स्लेव्ड। अगर किसी से कोई ज़बरदस्ती कराता है विद कंपल्शन, विद फियर, विद एनी वे, तो इट मीन्स वी आर नॉट फ्री, वी आर नॉट स्वतंत्र, दैट इज कॉल्ड फ्री। और सभी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं, सभी लोग अपना बिलीफ रखना चाहते हैं, अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने का रियल में लोग मीनिंग ही नहीं समझते, है ना। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज मीनिंग ऑफ राइट इंडिपेंडेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे कहा जाए स्वतंत्र, है ना, इट मीन्स व्हेन वी हैव अवर ओन बिलीव्स एंड थॉट्स, नॉट ऑफ अदर्स, वी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय फियर, ग्रीड, राइट, और बाय एनी इन्फोर्स्ड बिलीव्स और थॉट्स। सो वैल्यूज आर नेचुरली एक्सेप्टेड, दिस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड टू एनीबडी और ऑन एनीबडी थॉट्स। ये किसी पर हम ज़बरदस्ती इसको जो इन्फोर्स नहीं कर सकते। सो ओनली राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये केवल कैसे अडॉप्ट हो सकते हैं, है ना, आफ्टर सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड बाय इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। एंड एनी अटेम्प्ट टू इनकलकेट वैल्यूज थ्रू फियर, ग्रीड और फॉल्स बिलीव्स विल लीड टू बी कंड्यूसिव टू सस्टेनेबल हार्मनी। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसके थ्रू, अगर बाय द वे इनकलकेट भी होते हैं, दैट विल नॉट बी कंड्यूसिव टू सस्टेनेबल हार्मनी, देन अवर सस्टेनेबल हार्मनी कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी इंश्योर्ड। सो डेफिनेटिव नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डेफिनेटिवनेस ऑफ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट। जैसे मैंने बात, भाई हमारा एम क्या है,
हमें ह्यूमन कंडक्ट में डेफिनेटिवनेस को हम अचीव कर सकें। तो उसका जो शुरुआत होती है वैल्यूज से, जो कि बहुत सारा हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब हम इसमें जो आ रहे हैं इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, जो कि हमारा इथिकल वैल्यूज एंड इथिकल कंडक्ट ऑल्सो विल बी हेल्पफुल इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। तो व्हाट इज इथिकल ह्यूमन कंडक्ट, उसमें क्या क्या होता है? वैल्यूज, पॉलिसी, कैरेक्टर, वैल्यूज भी इसमें क्या, दे आर आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। वैल्यूज क्या है आप सब लोग जानते हो, है ना? वैल्यूज आर आउटकम ऑफ रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड विच आर ऑलवेज डेफिनेट। इनको पहचाना जा सकता है, इनकी इंश्योरिटी पॉसिबल है, ये लिमिटेड है। एंड पॉलिसी है ना, पॉलिसी कंड्यूसिव टू ह्यूमन वेलफेयर एंड रिचिंग ह्यूमंस प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड बॉडी वेल्थ। तो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए राइट, कैसी होनी चाहिए? वी शुड बी एनरिचिंग एंड प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवर फिजिकल फैसिलिटीज, अवर बॉडी इंक्लूडिंग अवर माइंड बॉडी, अवर ऑल अदर वेल्थ एंड रेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज। पॉलिसी में ऐसी होनी चाहिए कि सो दैट प्रॉपरली शुड बी यूटिलाइज्ड। और करेक्टर है ना, तो मीन्स इथिकल ह्यूमन कंडक्ट कैसे इंश्योर होता है? इन ऑल दीज, बाई द इंश्योरिटी ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, पॉलिसी एंड करेक्टर। वट इज करेक्टर? इफ विल से आउटकम ऑफ वर्क एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, वेल्थ एंड काइंडनेस। करेक्टर आप लोग समझ सकते हो, दिस इज आउटकम ऑफ है ना, मीन्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मीन्स एंड चेस्टिटी इन कॉन्जुगल रिलेशनशिप। कॉन्जुगल रिलेशनशिप में ईमानदारी क्या होना चाहिए, इसका फंडा क्या होना चाहिए, रूल क्या होना चाहिए, है ना? चेस्टिटी इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जैसे कहते हैं ना स्वनारी स्वपुरुष, तो ये इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप है। वेल्थ, वेल्थ किसके लिए होनी चाहिए, है ना? राइटफुल प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ, है ना, राइटली शुड बी एक्विजिशन। वेल्थ कैसे एक्वायर करनी चाहिए? थ्रू राइट वेज एंड राइट यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो ये वेल्थ का हो गया यूटिलाइजेशन एंड काइंडनेस। काइंडनेस क्या है? जो हमारा व्यवहार कार्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, है ना, काइंड होना चाहिए, मीन्स दयापूर्ण कार्य व्यवहार ये होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर, दिस इज अ आउटकम ऑफ वर्क एंड बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कॉन्जुगल रिलेशनशिप, राइट एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड काइंड बिहेवियर इन आवर, कहाँ पर? हमारे व्यवहार कार्य में, हमारे वर्क एंड बिहेवियर में काइंडनेस शुड बी इंश्योर्ड। तो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर। सो ह्यूमन कंडक्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, पॉलिसीज एंड कैरेक्टर इज टर्म्ड एज एथिक्स। तो यही तुम्हारा एथिक्स है। सब लोग कहते हैं भाई हमें जो है इथिकल कंडक्ट की जो है एंश्योरिटी होनी चाहिए, सही व्यवहार होना चाहिए। तो सही व्यवहार कैसे आएगा जब हमारी यूनिवर्सल जो वैल्यूज है वो इंश्योर होंगी? और वैल्यूज के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, इवन अभी कर भी रहे हैं। तो दस द इथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए? इथिकल कंडक्ट शुड बी सेल्फ सेटिस्फाइंग, पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड यूनिवर्सल, जो सभी के लिए सही हो। इथिकल कंडक्ट क्या है? सेल्फ सेटिस्फाइंग, जैसे जो एक वर्ड में कहता हूँ ना, जो क्या है, जो नेचुरली एक्सेप्टेड है, जो नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन होता है, जो भी नेचुरली एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है वो दैट इज ऑलरेडी सेल्फ सेटिस्फाइंग, पीपल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एंड यूनिवर्सल। इसी को देखो हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्वत्व लीडिंग टू स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। अगर हम स्वत्व को समझते हैं, स्वत्व मीन्स क्या है, है ना, नेचुरली एक्सेप्टेड स्वत्व है, मतलब अपने आप में रहना, अपने आप को पहचानना स्वत्व, ठीक। एक्सप्लोरेशन ऑफ स्वत्व बाई सेल्फ वेरिफिकेशन एंड लिविंग अकॉर्डिंगली विल अटेन स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। जब भाई
by verification, by validation, we will acquire swatva, self acceptance, जब इसको हम जो है एक्वायर कर लेंगे, अपने आप में क्या कर लेंगे, पूरी तरीके से उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, कौन से को, स्वत्व को, जो है नेचुरली एक्सेप्टेड जो ऑप्शन है उसको, तो क्या होगा, इट विल लीड टू स्वतंत्रता एंड स्वराज्य। तो अगर हम इसको स्वत्व को एक्सप्लोर करते हैं इन राइट अंडरस्टैंडिंग, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट रिड ऑफ प्री कंसीव्ड नोशंस, ऑल डिलेमाज, ऑल कन्फ्यूजन्स, कॉन्ट्रडिक्शंस, कंपल्शन, चाहे वो वर्डली हैं या इंटरनली हैं, एक्सटर्नली हैं, इनहेरेंटली हैं, इनहेरेंट हैं, कहीं से भी, सो वी कैन बी गेट रिड ऑफ ऑफ ऑल दीज प्री कंसीव्ड, प्री कंडीशनड नोशंस, अगर वी हैव एक्सप्लोर्ड अवर स्वत्व एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर हमने स्वत्व और राइट अंडरस्टैंडिंग को इंश्योर कर लिया है, इट मीन्स ऑल डिलेमास, प्री कंसीव नोशन कैन बी गेट रेड ऑफ। सो हैविंग एक्सप्लोर अवर स्वत्व, क्या होगा, वी विल लिव अकॉर्डिंगली, वी बिकम स्वतंत्र। अगर हम स्वत्व को समझा है, अगर हम अपने जो है नेचुरली एक्सेप्टेंस में हैं, है ना, नेचुरली एक्सेप्टेंस को जीते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लिविंग करते हैं, इट मीन्स वी आर स्वतंत्र। और इसको इसी से स्वतंत्रता से ही क्या आएगा, स्वराज्य कैन बी एस्टैब्लिश्ड, राइट। जैसे आफ्टर अटेनिंग दिस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, व्हेन वी विल लिव हार्मनी इन ऑल लेवल्स, हेल्प अदर्स टू अटेन दिस स्टेट लीड्स टू पार्टिसिपेशन इन स्वराज्य। जब हमने अपने आप में सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट को इंश्योर कर लिया है, एंड वी आर हेल्पिंग टू अदर्स अटेनिंग दिस स्टेट, will lead to definitely what, स्वराज्य, है ना। जब हम, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया है ना, क्या होता है, समझदार क्या किसे कहते हैं, जब पहले हमने उसको इंश्योर कर लिया है और हम वो चीज़, सही चीज़ को इंश्योर करने में दूसरे की हेल्प करते हैं, सही चीज़ को समझने में दूसरे की हेल्प करते हैं, इट मीन्स क्या है, वही आदमी योग्य है, वही आदमी समझदार है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें, है ना। तो आफ्टर अटेनिंग दिस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एंड लिविंग इन हार्मनी एंड हेल्पिंग अदर्स टू अटेन दिस सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड स्टेट विल लीड टू स्वराज्य। यही सभी का एम है, होना चाहिए, किसी भी कंट्री का, किसी भी सोसाइटी का क्या एम है, फियरलेसनेस, स्वत्व में रहना, है ना, ट्रस्ट में जीना और स्वराज में रहना। स्वराज मीन्स अपने थॉट्स। सो इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग। तो इससे क्या होगा, वैल्यू बेस्ड लिविंग से क्या होता है, व्हाट आर द आउटकम ऑफ वैल्यू बेस्ड लिविंग, जो कि हमें इंश्योर करना है, हमको वैल्यू बेस्ड लिविंग कहाँ से इंश्योर करना है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग से, सेल्फ, है ना, फ्रॉम द लेवल ऑफ सेल्फ, फ्रॉम द लेवल ऑफ फैमिली एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड फ्रॉम द लेवल ऑफ नेचर एंड एग्जिस्टेंस। ये सब अगर हम वैल्यू बेस्ड लिविंग होगी इन सब लेवल पे, तो क्या होगा, दिस विल इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग एट द लेवल ऑफ, सभी लेवल पर ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी, एंड ही विल अटेन टू व्हाट, स्वराज्य। तो अभी हम लोग इतना ही करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ओके, चलो, थैंक यू।